मन में कई तरह के विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आ जाते हैं। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचारों में बदलाव आएगा। ना चाहते हुए भी मन में आते मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है और इसलिए मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। क्षण भर में ही व्यक्ति का मन कई चीजों को सोचने लगता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं, लेकिन गौतम बुद्ध मन को नियंत्रित करने के आयामों के बारे में भी बता चुके हैं। मन में विचारों का आना गलत नहीं है कि, लेकिन मुश्किल तब हो जाती है या विचार ऐसी परिस्थिति में गलत होते हैं जब मन में अश्लील विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहने के बावजूद भी मन में अश्लील विचार आते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचारों में जरूर बदलाव आएगा। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षाटन के लिए भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने भिक्षु भरत को भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर भेजा। भरत पूरे रास्ते मन में यह सोचते हुए श्राविका के पास गया, क्योंकि भरत चंद्रवंश के राजकुमार थे और बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए थे। हमेशा भरत को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी मिलेगा संतुष्ट होना पड़ेगा। श्राविका के घर पहुंचकर भरत ने भिक्षा मांगी। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर भरत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे और जैसे ही श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत ने देखा कि श्राविका ने उनके लिए उनके पंसदीदा पकवान परोसे हैं और अपने प्रिय भोजन को देखकर वह खुश हो गए। भोजन ग्रहण करते हुए भी भरत सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद श्राविका ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। भरत फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसी पूरी हो रही हैं। इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वह सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब भरत विश्राम के बाद उठे तो श्राविका ने कहा कि आप जब तक चाहे यहां ठहर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को गौतम बुद्ध की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।